गोल्ड चेन है क्या ये? नहीं भाई, नकली नकली ये ईमानदारी है ना? ईमानदारी ना, तो किसको सुन? ईमानदारी मुसलमान के बच्चे ईमानदार है। मैं दरवाजे पे जय श्री राम लिखता, गणेश जी की मूर्ति बनाता और जो है शिवाजी महाराज के जो है फोटो बनाता। मैं खुद, मेरी दुकान का नाम इंडियन फर्नीचर है, पूरा गैर मुस्लिम से ही मेरा धंधा है। मेरे व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं सब गैर मुस्लिम है जो है। वो दो समाजों के अंदर तेल निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। नाम लोन का? अनूप अग्रवाल जी। तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो आमदार साहब है, इंशाल्लाह ये शहर का अमन हमेशा हमेशा के लिए कायम रखेंगे। ये हमारे को पूरी पूरी कोशिश है, पूरी पूरी हमारी है। फारूक शाह साहब पसंद है? अरे पसंद है तो उनकी मोहब्बत के खाते तो आए हैं ना हम। अभी किसको सुनने के लिए आए हैं आप खास तौर से? खास तौर पे तो जो है ओवैसी को सुनने के लिए। ओवैसी साहब को? ओवैसी साहब तो मतलब अच्छे लगते हैं वो? अच्छे के जो है सेकुलर बात करते, सबके लिए बात करते जो है, और उनमें जो है जातिवाद बात नहीं है जो है, और जो है अपने जो है हिंदुस्तान का जो है मतलब भाईचारा कायम रहे वो हिसाब से बात करते हो जो है। और दूसरी भी पार्टी है जिनमें सरासर जो है जातिवाद रहता जो है, और एक तरफा बात करती और दंगे फसाद लगाने के ऊपर जो है वो अपने जो है वोटों को बटोरते रहती, हिंदू मुसलमान करके जो है आपस में बंटवारा करके जो है अपने वोट की जो है वो लेते रहती जो है। तो ये ऐसे लोगों का क्यों ना साथ दे जो सबका साथ सबका विकास जो करे जो है। ये बात तो उनका जुमला था, बाकी ये जुमला इन्होंने ले लिए जो है। अभी बोला किसी और ने, अमल कोई और कर रहा है। अच्छा, आप जैसे माशाल्लाह आपने दाढ़ी वगैरह रखी है, टोपी वगैरह पहनी है, तो आप गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? गैर मुसलमान बहुत अच्छे हैं जो है, पूरे जो है हमारे जो है ना, मैं तो बोलूँगा हिंदुस्तान के गैर मुसलमान बहुत अच्छे हैं जो है। ये जातिवाद जो है कुछ लोग है जो ये करने की कोशिश करते हैं, बाकी उस पर अमल जो है गैर मुस्लिम नहीं करते। राजनीति चल रही है। मैं जो है मेरा डोर का धंधा है, मैं दरवाजे पे जय श्री राम लिखता, गणेश जी की मूर्ति बनाता और जो है शिवाजी महाराज के जो है फोटो बनाता। मैं खुद, मेरी दुकान का नाम इंडियन फर्नीचर है, पूरा गैर मुस्लिम से ही मेरा धंधा है। मेरे व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं सब गैर मुस्लिम है जो है। तो ये है हिंदुस्तान की एक सेक्युलर तस्वीर है, ये हिंदुस्तान की सेक्युलर तस्वीर है और इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और ये तहजीब जो है गंगा जमुना जो है, ये तहजीब कयामत तक के बाकी रहेगी। फारूक शाह साहब का क्या किरदार है इस तस्वीर को बरकरार रखने में? फारूक शाह का बहुत अच्छा किरदार है जो है। ये जो है ऐसे जो है मतलब नेता है, ये आमदार है कि इन्होंने हर मजहब को लेके चले जो है। इन्होंने जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनका भी जो है उन्होंने विकास काम किया जो है। हाँ, और इन्होंने जाति बात किया ही नहीं जो है। और अगर से जो है फारूक शाह अगर से आमदार 5 साल नहीं रहते तो दुल्हे में 3 दंगे हो जाते जो है, अभी तक के 3 दंगा फसाद हो जाता दुल्हे में जो है। उसको रोकने में बहुत बड़ा किरदार रहा फारूक, रोकने में किरदार रहा जो है फारूक शाह साहब का जो है। हाँ जी। क्या नाम भैया आपका? अब्दुल रहीम। तो किसको सुनने के लिए आए हैं आज? फारूक शाह के। फारूक शाह साहब तो मतलब अच्छे लगते हैं वो? बहुत अच्छे, उनके सब काम अच्छे, सब बातें अच्छे कैंडिडेट है अपने। ओवैसी साहब को सुनने नहीं आए मतलब? उन्होंने लाए ना उनको। ओवैसी साहब को भी सुनना है। तो अभी 5 साल में लोग तो बोल रहे हैं बहुत विकास हुआ है। सुन लिया मंजा, ओवैसी साहब को सुन लिया हमने सर। ठीक है ठीक है, 5 साल में लोग बोल रहे हैं बहुत विकास हुआ है, आगे 5 साल में कहाँ विकास देखना चाह रहे हैं? ये एमआईएम का ही काम करेंगे ना अगला, मतलब ये 5 साल तो एमआईएम का काम हुआ, अगले 5 साल में और तरक्की होगी। तो वही कहाँ कहाँ तरक्की देखना चाह रहे हैं आप? हॉस्पिटल चाहिए, सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल सड़कें, कुछ अपने अपार्टमेंट वगैरह सब, गरीबों को मतलब योजना बिजना सब, मतलब हर काम किया आमदार ने। और आगे 5 साल भी करेंगे? अगले 5 साल में भी हमारा इंशाल्लाह। अरे वाह, ये गोल्ड चेन है क्या ये? नहीं भाई, नकली नकली ये ईमानदारी है ना? ईमानदारी ना। तो किसको सुन? ईमानदारी मुसलमान के बच्चे ईमानदार है।
ईमानदार में ही काम करेगा। ईमानदार ने ईमानदारी से काम किया तो ईमानदारी बताएंगे ना मुसलमान। बहुत सही है भाई, बहुत सही। तो किसको सुनने आए हो आज? असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब को मतलब अच्छे लगते हैं वो? माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है उनकी, आवाज सुनने तो इतनी पब्लिक आई है। फिर तो ऐसा क्या सुनना चाह रहे हैं आज? आज वही जो आडम सुनाते हैं। अरे वो 15 मिनट बोले तो बहुत खतरनाक काम है 15 मिनट। तो फारूक शाह साहब अच्छे लगते हैं? हाँ फिर अच्छे लगते हैं ना। क्यों, कोई खास वजह? बहुत काम करा हमारे दुल्हिया शहर को उनने, माशाल्लाह बहुत अच्छे है आमदार साहब। सबको लेके चलो। क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा सलमान। सलमान भाई के नाम से पहचानते हैं मुझे। बाला बाला, ठीक है बाला साहब, खूब तरक्की करना, एक दिन असली चेन पहनना। नहीं नहीं नहीं, असली मत पहनना, हराम है। नहीं नहीं, बोलो क्या पूछना चाहते आप? नहीं, फारूक शाह साहब पसंद है? अरे पसंद है तो उनकी मोहब्बत के खाते तो आए 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 ना हम। तो ये अभी क्या खा रहे हैं आप? तंबाकू खा रहे? गलत बात है, गलत बात। छोड़ छोड़ देना ना, वादा रहा छोड़ देना। अब बताओ कि आप जैसे नौजवान है अभी, है ना, कितनी उम्र हुई आपकी? 24 साल। 24 साल ना, नौजवान है अभी। तो नौजवान क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार क्या है, फारूक आमदार तो वही, उनसे क्या चाहते हैं नौजवान? आगे काम करना चाहिए हमारे नौजवानों के हस्ते, कुछ ना कुछ जो बेरोजगार है इनको बेरोजगारी रोजी देना चाहिए। नौकरी का मुद्दा है मतलब? क्या हो रहा है? तुम लोग स्कूल जाते हो? जाते ना। कौन सी क्लास में हो? नवी। नवी में तो क्या बोले, इंग्लिश में आते बोले। हाँ हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी या प्राइवेट है? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? ये तो फारूक शाह साहब को जानते हो तुम? जानते ना। अरे तो बच्चे आते होंगे, छोटे छोटे बच्चे। कैसे? शक्ल से। अच्छा, धक्का मुक्की नहीं करना, डेक्कन डाइजेस्ट। इधर वो क्या नाम है आपका? बड़ा नजर। बड़ा नजर यार, क्या कैमरामैन को थोड़ा शूट करने दो ना। नहीं नहीं नहीं, आराम से जी। हाँ, क्या नाम है आपका? पठान अजहर। पठान अजहर जी। जी अजहर साहब, किसको सुनने आए हैं आज? हम तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए हैं, और आमदार फारूक शाह के सपोर्ट में आए हैं। फारूक शाह साहब के सपोर्ट में? तो क्यों अच्छे लगते हैं वो? काम बहुत सारे किए उन्होंने, जैसा रोड का काम हुआ, वॉल कंपाउंड का काम हुआ, जैसा बहुत बड़ा गार्डन बना है उन्होंने। एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अभी आगे और देंगे इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में। उनका स्कूल बना है। वो बोल रहे हैं आमदार साहब से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह सब मोहब्बत करते हैं। हाँ अभी 2 मिनट बस। तो यहाँ पे धुले शहर में हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा है? हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो दो समाजों के अंदर तेल निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। नाम लोन का? अनूप अग्रवाल जी। तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो आमदार साहब है इंशाल्लाह ये शहर का अमन हमेशा हमेशा के लिए कायम रखेंगे। ये हमारे को पूरी पूरी कोशिश है, पूरी पूरी हमारी ये इंतजा है। वो नहीं बात करना चाह रहे हो? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से? कर्नाटका। बोलेंगे क्या बेटा तू? नहीं बोलिए ना। हाँ, तो आपके गैर मुसलमान दोस्त हैं? जी गैर मुसलमान दोस्त हैं आपके? थे पहले स्कूल के अंदर, लेकिन अपने अब काम धंधे से लग गए सब, जो जिसके उसके। बात बात नहीं होती? नहीं ज्यादा बात नहीं होती उनसे, फोन पे कांटेक्ट वगैरह होता है बस, बाकी कुछ ज्यादा बात नहीं होती। बाकी भाई मानते हैं आप उनके गैर मुसलमान? फिर भाई मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? हिंदुस्तान के अंदर रहे वो भी, हम भी आजादी के अंदर, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, हमने भी उनका साथ दिया, तो इंशाल्लाह सब भाईचारा कायम रहेंगे इंशाल्लाह मरे दम तक। भाई फिर का परस लोगों को बोलने तो जो बोलना है। और ये भाई, और ये भाईचारा बनाए रखने में फारूक शाह साहब का क्या किरदार रहा है? बहुत सारा किरदार रहा है, अगर वो नहीं रहते तो दुनिया के अंदर ऐसा समझ लो दुनिया 2000 अभी जो 2-3 साल पहले जो हुआ था NRC के टाइम पे, जब पूरा दुनिया जल गया होता, लेकिन हमारे आमदार साहब ने बहुत सारी मेहनत की वहाँ पे, जल्दी से जाके SP साहब को फ़ोन किया, ये किया, पटाख से उन्होंने लाइन लगाई, तो सब चीज़ कंट्रोल में आई। हमारे आमदार साहब बहुत डेरिंग है, डैशिंग है, इंशाल्लाह चुन के आएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम भैया? अब्दुल मुतल्लिब यूनुस शाह। ये क्या है आपके जेब में? कुछ लाओ
थैंक यू। तो अब बताइए कि किसको सुनने आए हो आपको जी? तो ऐसा क्या अच्छा लगता है उनमें जी? उनकी बातें अच्छी लगती है, उनके बहुत सारे काम अपने को पसंद आए। हाँ, बस वही वजह से अपन यहाँ पे पहुँचे उनका हौसला अफजाई करने के लिए। अच्छा, ये बोला जाता है कि एमआई मुसलमानों की पार्टी है। जी जी, सही है, सही है, सही है। और समाजों की नहीं है? नहीं, और सबकी है ना, सबकी सबकी जी। बुले शहर में है भाईचारा? जी, भाईचारा सबके अंदर है जी। पिछले 5 साल में तो लोग बोल रहे हैं बहुत काम हुआ है ना? जी जी, बहुत हुआ है। आगे 5 साल में कहाँ काम देखना चाह रही है जनता? सब तरफ काम इंशाल्लाह, इससे पहले भी जो दिखने आए और इंशाल्लाह आगे तक भी दिखते रहेंगे, जितने काम है उससे डबल काम है इंशाल्लाह आगे। तो इस बार लग रहा है जीतेंगे वो? जी इंशाल्लाह, पूरी पूरी कोशिश चालू है, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको जिताने की, पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको जिताने की। क्या नाम भैया? अमीन। अमीन साहब, किसको सुनने आए हैं आज? ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को, तो ऐसा क्या अच्छा लगता है उनमें? उनकी आवाज बहुत अच्छी है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, पूरी जान लगा देंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं, मुस्लिम लोग के लिए आवाज उठाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं? सब लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, ज्यादा मुस्लिम लोग के लिए भी करते हैं, वैसा काम भी अच्छा करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। और फारूक शाह साहब अच्छे लगते हैं? साहब साहब बहुत अच्छा भी है, पूरे दिल्ली शहर का नक्शा बदल दिया उन्होंने, नक्शा बदल दिया। हाँ, ऐसा क्या किया मतलब? बहुत काम किया है यहाँ पर, पानी की टाकी बनाई है, रोड बनाया है, मस्जिद मदरसा काम का किया है, बहुत काम किया है। तो इस बार लग रहा जीतेंगे वो? इंशाल्लाह आ जाएंगे। मुसलमान समुदाय के अलावा और समाज सपोर्ट में है उनके? बहुत सपोर्ट में, सब मुस्लिम सब। तो आपके गैर मुसलमान दोस्त हैं आपके? साथ में रहते हैं सब, गैर है ना? हाँ, सब है। तो उन लोगों के क्या विचार है फारूक शाह साहब के? वही वही है, कोशिश है पूरी, उनका भी वही राय है, वो आने को होना है। ऐसे खुल के बोलते हैं या चुपके चुपके? नहीं नहीं नहीं, खुल के बोलते हैं, खुल के बोल रहे हैं। ये काम ऐसा कर रहे ना हो, काम ऐसा कर रहे हो, खुल के बोलते हो। सही है। क्या हुआ, क्यों रो रहा है बच्चा? बच्चा गर्दी देख के घबरा रहा है। तो अगर एक सिंपल सा सवाल है बस, आपका बच्चा अगर बड़ा होता है और वो नेता बनना चाह रहा है तो आप बनने देंगे उसको? नहीं, कोशिश तो नहीं करेंगे हम बनने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो नेतागिरी है जो अभी ठीक नहीं है। तो मतलब आप अपने बच्चों को नेता बनता हुआ नहीं देंगे? इंशाल्लाह उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और आज किसको सुनने के लिए आए आप? हम आज फारूक शाह और असद साहब को देखने के लिए आए। असद साहब तो बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय में और लोगों को कायद बनना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए। देखिए, असद साहब जो है मुस्लिम पूरी कौम की कयादत कर रहे हैं। असद साहब जो है आज पूरे हिंदुस्तान में एक अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो पूरे पार्लियामेंट को हिला देते हैं। हम उनकी उसके लिए बहुत इज्जत करते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। तो अगर यही आवाज़ अगर आपका बच्चा कल को उठाना चाहे किसी बड़े मंच से तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, अगर असद साहब के हिसाब से अगर हमारा बच्चा कोशिश करे तो हम भी उसके लिए सपोर्ट करेंगे। माशाल्लाह।